हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रजत और आज हम बात करने वाले हैं बाली इंडोनेशिया ट्रैवल प्लान के बजट की। इसमें हम बात करेंगे फ्लाइट के फेयर्स क्या हैं, वीजा ऑन अराइवल की फी क्या है, स्टे कहां करना है, होटल एंड रिजॉर्ट के प्राइजेस क्या हैं और बेस्ट प्लेसेस कौन से हैं, कहाँ आपको विजिट करना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इसमें कवर करेंगे। सो प्लीज़ ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। देखिए, बाली जाने के लिए सबसे अच्छा टाइम है अप्रैल टू अक्टूबर। नवंबर टू मार्च थोड़ा वहाँ रेनी सीजन रहता है तो आप अवॉइड करिए, तो आप अप्रैल टू अक्टूबर में ही अपना प्लान करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके चलना है साथ में। पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ एटलीस्ट होनी चाहिए। सेकेंड, रिटर्न फ्लाइट, आपकी आने और जाने की दोनों फ्लाइट बुकिंग होनी चाहिए। तीसरा, होटल बुकिंग, ये आप करके लेके चलें। और चौथा, आप अपना वैक्सीनेशन प्रूफ भी साथ में कैरी करें। बात करते हैं वहाँ की करेंसी की, तो वहाँ की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, जो अपने भारत के 1 रुपीस में वहाँ के 181 इंडोनेशियन रुपीस हैं। वहाँ का सबसे बड़ा नोट है 1 लाख रुपये का, जो इंडियन रुपीस में 550 रुपये होते हैं। आपको वहाँ पे US डॉलर लेके जाना है, जो आप वहाँ पे इंडोनेशियन रुपी में कन्वर्ट करवा लेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट फेयर्स की। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बाली के लिए मोस्ट फ्लाइट्स जो हैं वो कनेक्टिंग फ्लाइट हैं वाया सिंगापुर। तो अगर आप चाहें तो आप 2-3 दिन सिंगापुर भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी मैं आपको फेयर्स बता दे रहा हूँ। आप दिल्ली से अप डाउन फ्लाइट लेंगे दोनों तरफ की तो आपको 35 से 40 हज़ार करीब की पड़ेगी बाली के लिए। उसके अलावा मुंबई से भी आपको 35 से 40 हज़ार की पड़ेगी। हाँ, आपको कोलकाता से थोड़ी सस्ती पड़ सकती है, जो 25 से 30 हज़ार की पड़ेगी। तो देख लें, आपको जहाँ से भी सही लगती है वहाँ से आप अपनी फ्लाइट ले सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वीज़ा। इंडियंस को वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा है, आप अराइवल के टाइम पर अपना वीज़ा ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट है अप्रॉक्स $35, जो इंडियन रुपीस में लगभग 2800 से 2900 रुपीस की कॉस्ट होती है। तो आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्टे की। आपको वहाँ पे 1200-1500 से बहुत अच्छे रिजॉर्ट और होटल मिल जाएंगे। आप किसी भी ऑनलाइन बुकिंग साइट से अपनी होटल और रिजॉर्ट जो भी आप पसंद हो आप बुक कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं बेस्ट प्लेसेस जहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। पहला है पांडवा बीच, मेलास्ती बीच, नूसा पेनीडा डायमंड बीच, सेकम्पल वाटरफॉल, हंदारा गेट, दानुआ बैरातन टेम्पल, लेके वाटरफॉल, और इसके अलावा काफ़ी सारे प्लेसेस और भी हैं जो आप वहाँ कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छे सनसेट व्यू के लिए आप तना लॉज जा सकते हैं। क्लब एंड नाइट लाइफ के लिए आप सेमिनयाक जा सकते हैं। सेमिनयाक एक प्लेस है जहाँ पे आपको नाइट लाइफ मिलेगी, क्लब्स मिलेंगे, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। और वहाँ पे एक फिन्स बीच क्लब है जो काफ़ी पॉपुलर है, वो आप विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।